26 जनवरी 1950 को देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 21 तोपों की सलामी के साथ ध्वजारोहण कर भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया। चलिए जाने के इसी गणतंत्र के बारे में। क्विज ऑन इंडियन डेमोक्रेसी, 10 क्वेश्चंस, 4 ऑप्शंस, 5 सेकंड्स। लेट्स स्टार्ट द क्विज। What is the literal meaning of the word democracy? लोकतंत्र शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? Rule by the few, rule by the people, rule by the wealthy, rule by the military. Right answer है rule by the people. लोकतंत्र सरकार की एक प्रणाली है जो नागरिकों को वोट देने और मतदाताओं को अपनी पसंद की विधायिका का चुनाव करने की अनुमति देती है। इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटी? एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में मुख्य अधिकार किसके पास होता है? द मिलिट्री, द कॉन्स्टिट्यूशन, द मोनार्क, द पॉलिटिकल पार्टी। राइट आंसर है तो कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान स्थापित हुआ। तब से अब तक संविधान ही भारत के लोकतंत्र का सर्वोच्च घटक है। विच कंट्री इज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग डेमोक्रेसी? विश्व का सबसे पुराना मौजूदा लोकतंत्र कौन सा देश है? फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट्स, United Kingdom, Australia. Right answer है United States. United States of America. सबसे पुराना लोकतंत्र अमेरिका का ही है जिसकी शुरुआत 1789 में हुई। In a parliamentary democracy, who is the head of government? संसदीय लोकतंत्र में सरकार का मुख्य कौन होता है? द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द मोनार्क, द चीफ जस्टिस। राइट आंसर है द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। आज के हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यही हमारे संसद के मुख्य है। What is the minimum voting age in India? भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? 16, 25, 21, 18. Right answer है 18. हर 18 साल या उसके ऊपर के व्यक्ति को मतदान करने का हक है। Who elect the number of parliament? संसद सदस्य का चुनाव कौन करता है? Prime Minister, President, Vice President, People. Right answer है People. लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा सीधे वोट डालकर किया जाता है। 18 साल और उसके अधिक आयु का हर एक भारतीय नागरिक मतदान करने का हकदार होता है। Who is the chairperson of the Rajya Sabha? Rajya Sabha का अध्यक्ष कौन है? Prime Minister, President, Vice President, People. Right answer है Vice President. भारत का उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति है। आज के हमारे उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ राज्य सभा के अध्यक्ष है। Which is the highest court of justice in our country? हमारे देश में न्याय का सर्वोच्च न्यायालय कौन सा है? Justice Court, High Court, Supreme Court, District Court. Right
राइट आंसर है सुप्रीम कोर्ट। भारत का उच्चतम न्यायालय भारत का सर्वोच्च न्यायिक निकाय है और संविधान के तहत भारत गणराज्य का सर्वोच्च न्यायालय है। देश के उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर कुल 33 न्यायाधीश होते हैं। ये न्यायाधीश 65 वर्ष की उम्र तक अपने पद पर रहते हैं। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नोन एज, भारत की संसद को किस नाम से भी जाना जाता है? राज्यसभा, संसद भवन, लोकसभा, विधान परिषद। राइट आंसर है संसद भवन। 28 मई 2023 को भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ। ये और बड़ा शानदार और सुंदर नया संसद भवन 150 साल तक टिकने की गारंटी देता है। There are how many members of parliament in India? भारत में संसद के कितने सदस्य हैं? 552, 534, 580, 540। राइट आंसर है 543, 543। भारत का संविधान सदन में अधिकतम 550 सदस्यों की अनुमति देता है, जिसमें 530 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 20 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आज लोकसभा में निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा भरी गई 543 सीटें हैं। बहुत अच्छे दोस्तों, बहुत बढ़िया। आप सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। बाय बाय।